हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीही वाला के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने नए नए फ्रेंडों को इस चैनल पे लेके आए, इतना मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप करके पढ़ाएंगे आपको, क्वालिटी अच्छी आ जाती है उसमें। ये अपन ने कर ली है स्क्रीन, है ना। अब अपन इसमें लिख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 2, ओके ना। अब पहला पॉइंट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन ने दिया था बच्चों, बताओ? लीनिया ही ने। इसके बाद आ जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था हिकल ने। थर्ड है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कोपलैंड ने। इसके बाद है फोर्थ, यही है लास्ट और यही है सबसे मेन, ये इसके ऊपर ही नीट पे आता है सवाल आएगा तो। पहले आते थे ये लेकिन अब नहीं आते। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हेकल ने, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेयर ले रहा हूं मैं। इधर भी यही सेटिंग करनी पड़ेगी। इधर अपन पूरा पेज ही लिखेंगे एक बार, है ना। दो में रुकना, कुछ एनसीईआरटी पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये क्या आ गया? हाँ जी, है ना, एनसीईआरटी पॉइंट है ये। आर एच विटेकर प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड इंक्लूड करता है ये प्लांट आ जाएगा, हाँ एनिमल मोनेरा और क्या कहता है प्रोटिस्टा। ओ ये कौन सा गया, और लास्ट आ गया फंजाई, है ना।
पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी है ना, मतलब एक दो दिन में, या मैं कल तक इसकी कर दूंगा अगर आज वीडियो गई तो चैनल पे, या शाम तक आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, तो आपको अगर लिखना हो तो या तो वीडियो से लिख लेना, या मेरी इधर फोटो आ रही होगी इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए थोड़ी मुझे माफ करना। दिस प्लेस टूगेदर ग्रुप बैन वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर। अब प्लांट एनिमल तो ना हो सकता है, एनिमल मोनेरा नहीं हो सकता है ना, और मोनेरा फंगाई नहीं हो सकता, प्रोटिस्टा नहीं होता, तो इस लाइन में ये लिखा है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा, मतलब डिफिकल्टी है भाई, एक दो फॉर्मेट की वजह से डिफिकल्टी है भाई। ये तीसरा पेज है अपना, ये अपन ने ले लिया, इधर मेरी फोटो आ रही है अभी इसलिए। अब आप अगर फोटो मना कर दो तो फिर कुछ हो सकता है। अब कौन सा पॉइंट था, वो टू था ना, थ्री पॉइंट है अपना, ऑल ऑल प्रो कैरी और टिक, जैसे हम नीट में आ चुके हैं हाँ? इस साल भी आया था नीट में, इसमें इस लाइन के वर्जन। ग्रुप बना देते हैं ये लोग, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म ग्रुप बनाते हैं मोनेरा के साथ है ना, और फोर पॉइंट अपना हो जाएगा। फोर क्या हो जाएगा, यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड ग्रुप इन, ये प्रोटिस्टा के साथ मनाते हैं। एक पॉइंट मैं आपको देख के बताता हूँ, दो ही पॉइंट है इसमें, दो इसके बाद और बचे हैं ना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोट टूगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अब ये हो गए थे अपने एल्गी के पहले आए थे ये है ना, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अर्लियर इन एल्गी विद इन प्लांट, कहा लिखा है ये, गलती हो गई, ग्रुप अलियर प्लेस्ड इन एल्गी।
चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। अब पहली वीडियो है ना ये, अभी मैं देख लूंगा कि कितनी वो आ रही है मेरे पास, क्योंकि सामने फोटो नहीं आ रही। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो गया था ना वो। हाँ, इसके बाद ये इधर भी अपन मान लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये, उसके बाद मोनेरा अपन स्टार्ट करेंगे, आज या कल भी कर सकते हैं। ओवर टाइम हेज, ओवर टाइम हेड, ओ अटेम्प्ट हेज बीन बीन मोड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द रिप्रोड्यूस सिमिलैरिटी इज बट इट ऑल्सो ये एनसीईआरटी पॉइंट है, उसके जो पहले मैंने लिखवाए हैं वो एनसीईआरटी पॉइंट थे। जेनेटिक डेथ इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें लिख देता हूं। कलर चेंज हो जाएगा क्या यार? ये देखिए लिख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन। और मोनेरा अपन कल ही कर लेते हैं, कल छुट्टी आ जाएगी आपके पास वीडियो। ओवर टाइम हेज बीन मोर टू इवॉल्व
क्वेश्चन भी आते हैं और हम क्वेश्चन कल करने वाले हैं, मुनेरा के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपने किए। तो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं अपना नंबर देता हूँ। वो बच्चा वो करेगा, कोई को डाउट आए इस पे डाउट आना ही चाहिए, लेकिन दे दिया मैंने नंबर। अब हर बार तब मैं लिखूंगा प्लीज लाइक भी आपको लाना पड़ेगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। कल फिर आइए।